सीधा उस खोपड़े पे लगी हुई। हॉस्पिटल किधर है? हॉस्पिटल है यहाँ पे। अगर तुम किसी का कंटेंट इस्तेमाल करोगे, कंटेंट तो नहीं, हम अपने आप ही से ढूंढते हैं कंटेंट। ढूंढते हो तो है तो वो उनका। अब तुम मेरी वीडियोस अगर उठा के एडिट करके अपने लगाओगे, वो किसका वीडियो है? मेरा है ना। स्मृति ईरानी जी आने वाली है। जानवर जग गया भाई, शेर जग गया। भाई वो आगे इतना तेज चला रहा है ना, मैं क्या बताऊं। और कि उसने गलत लेन में, वो पूरा गलत लेन में चला रहा है, पूरे गलत लेन में मोड़ पे। वो भी पता था, अरे वो खुद का गिरा, गिर गया भाई। बोल ही रहते हम भाई कि बंदा गिरेगा गिरेगा, ले भाई गिर गया, उठा उसको यार। मैं कर रहा भी रेडी से यहां। अबे यार खून निकल गया उसका, सीधा उस खोपड़े पे लगी हुए थे यहाँ। वो पता है पीछे से चला, गंदा चला रहा है, इधर उधर इधर उधर। वो तो अच्छा हुआ आपके आगे नहीं आया भाई। पीछे हॉस्पिटल किधर है? हॉस्पिटल है यहाँ पे, हॉस्पिटल यहाँ पे आसपास कोई। चलो चलो चलो, कहाँ लगी है? लो पानी ले लो, ला इधर, दिखाओ मैं ऊपर डाल देता हूँ। छोड़ दो फैन को इससे। आप हाँ, घर कहाँ है तुम्हारा? घर है पकड़ के टाइट लगाओ ना, वहाँ पर नहीं लगा। इसको तुम्हें पकड़ने की जगह ना तुमने हाथ से पकड़ो, खून अभी निकल ही रहता है। मैंने अभी पुलिस वालों को ही बोला था कि भाई ये गंदा चला रहा है, इसे देख लो। पर वो भी क्या ही देखते वैसे, क्योंकि उसके पीछे तो भागते नहीं। लेकिन एक दूसरे पुलिस वाला भैया था, वो बोल रहे हैं ये ऐसा घर जानते होंगे उसको। पर गिर गया आखिरकार। जो दूसरी गाड़ी रुकी हुई थी वो ऊपर की साइड जा रही थी, तो ऊपर ही हॉस्पिटल है। तो वो भैया एक उसकी स्कूटी में बैठ गया और उसे अब छोड़ के आएंगे। पर ये होली में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं अक्सर, और आज लाइव देख लिया हमने सामने बिल्कुल। पहाड़ में तो बहुत रिस्की है सब चीज़ें। हाँ यार, गाड़ी बाइक वैंगर कहाँ मोड़ ही मोड़ आ रहे हैं। और ये तो भाई पता नहीं इतनी झांझ में उसने हेलमेट कैसे पहन लिया, ये बात नहीं समझ में आई मेरे को। क्योंकि अगर वो गिरता ना, नाक पे यहाँ लगी थी, यहाँ से खून निकल रहा था भाई। अगर हेलमेट नहीं होता तो सर पे भी लगती, फिर सीधा माथा फटता उसका। और उससे बड़ी बात कि अगर मान लो सामने से कोई गाड़ी आ रही थी स्पीड में, सोचो वही तो, वो भी उड़ता है सामने वाले का भी मूड खराब होता। हाँ। सब कुछ ऐसा ही होता फिर पूरा। और ये हाईवे तो है भी इतना प्यारा, ये देखो इसमें तो कोई धीरे चलाएगा भी नहीं, इतना बढ़िया करके स्पीड होगी यहाँ पे तो। और फिर ये ऐसे रॉन्ग साइड चलाएंगे तो फिर क्या ही बोलना, मतलब बढ़िया करके स्पीड होगी। तो स्पीड तो रहती है यार, 60-70 तो चलाते हैं इसमें। बढ़िया करके स्पीड होगी, समझा नहीं मैं। मतलब बढ़िया करके स्पीड में चलाएंगे हर कोई फोर व्हीलर वाला। और अगर ऐसे आएंगे पी के रॉन्ग साइड आएंगे तो भाई गलत है ना। तो ये देख सकते हो आप, पौड़ी पहुंच गए। और सूरज भाई हमें कहाँ ले आए? आ जाओ देखो तो भाई, आज यहाँ रहने वाले हम पौड़ी में। कहाँ है सूरज भाई? आई लव पौड़ी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये वो है कंडोलिया पार्क, और हमारा जो स्टे है वो ऊपर है, वो ऊपर अभी चलेंगे, थोड़ी देर में चलेंगे। कंडोलिया 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 रेस्टोरेंट एंड होटल एंड होटल। हाँ क्यों, क्या हुआ, कोई परेशानी हो गई? पूछ रहा था, परेशानी बता दो। सूरज भाई है यहाँ पे, सूरज भाई इनसे मिलिए, ओनर साहब यहाँ के। हेलो भैया, कैसे हो आप? बढ़िया। नाम क्या है आपका? नाम इसका नवीन, इसका हाँ कंडोलिया थीम पार्क। कंडोलिया थीम पार्क आईपीएल पूरी हुई नहीं, आपके रेस्टोरेंट का? रेस्टोरेंट का नाम अभी डिसाइड नहीं कर रहा। अच्छा, कितने दिन हुए अभी खुले हुए? 20-25 दिन। और ये देखो भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, प्रोजेक्टर। वैसे हमारे पास प्रोजेक्टर है, ऐसे हम भी ला रखे थे, पर चलो आपने लगा रखा है तो मेरी थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी अब तो। अभी यहाँ देखेंगे बड़े करके मैच, और यहाँ बैठ के खाना खाएंगे। खतरनाक यार, क्या क्या चीज़ें हैं भाई इस रेस्टोरेंट में। और वजन भी उठा दे रही भाई। भाई यार मजा आ रहा है। इलेक्ट्रिक स्कूटर, अरे चलाओ, ढीला तो नहीं है, मस्त चल रहा है। अरे भाई भाई ये सही है यार, खेलने के लिए, बच्चों के लिए खासकर। बैटरी खत्म, आ जाओ भाई जी, खाना लग चुका है। बढ़िया, यही चाहिए था हमें, दाल भात और रायता भी है भाई, रायता।
सबसे ज्यादा मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे खाना वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। और ये खाते हैं चिड़िया की तरह चुक चुक के, मैं खाता हूँ शेर की तरह। इसी बात पे कहते शेर आजकल चीती चल रहा है भाई, चीती कह दे। किसने बोला है चीती? अबे एक मीम है यार, उसमें लड़की बोलती है ये मीम मेरे तो नहीं पहुंचा अभी तक। चीती कह दे, उनके साथ जो लड़की आती है यार। सुन क्लोजअप लूंगा, क्लोजअप चल। जानवर जग गया भाई, शेर जग गया, शेर तो ऐसे ही खाता भाई। भाई सुबह सुबह सूरज भाई ने हमें उठा दिया भाई, हैं? अरे पहाड़ों में थोड़ा जल्दी उठ के थोड़ा मजा तो सुबह ही है ना पहाड़ों में। सही बात है। और कॉफी देखो यार, क्या शानदार कॉफी आ चुकी है यहाँ पे। मलाई मार के वो गाय भेजी गए दूध गाढ़ा कड़क होगी कड़क। सही है भाई, बढ़िया भाई, ऐसी पसंद है यार। भाई को कड़क ही पसंद है सब कुछ। चलिए अभी पौड़ी से निकलना हो रहा है। राशु भाई को यहीं पे अलविदा कह रहे हैं, हमें राय प्यार के फिर मिलेंगे। चलते चलते, और बुरा नहीं मानी हाँ। ना ना बुरा बुरा क्यों मानना, जो जो मजाक करिए करा वो करा है, माफ कर देना, बुरा मत मानना तुम भाई के साथ भी। मैं क्यों बुरा मानूंगा, तुम्हारी मैंने ज्यादा वो करी है ना, छांग खींची मैंने कुछ नहीं। चलो ठीक है फिर, चलो बैठो भाई, चलो भाई हम भी जा। सॉरी यहाँ, अरे मेन मंदे देखो अब काम हो गया तो भूल गए तुम्हें। अब देखो मैं एक कोड डाल के रहे थे, थोड़ा माफ कर दे रहे हो। चलो फिर भाई, सूरज भाई नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। और जो भाई का वो है स्टोर ब्रांड स्टूडियो, वहाँ पे जाना जरूर। कपड़े सब जैकेट, हाँ 3 साल से वैसे के वैसे। लोअर हो गया कुछ, हो गया रिव्यू ये देंगे अपने खुद से लोअर के। हाँ पार्टी पेजी को भी दिलाता हूँ, जो मेरे यहाँ शंके पे रहते हैं वो भी खरीदते हैं यहाँ से। चलो फिर निकलते हैं यार, लेट हो रहे हैं। चलो, और हाँ आज कौन आ रहा है भाई? स्मृति ईरानी जी आने वाली है। ये तो कुछ भी नहीं है अभी भीड़, पर वो अभी आई नहीं, उनका हेलीकॉप्टर आएगा तो तब लैंड होंगी यहाँ पे, तो इसलिए हमने बोला पहले निकल जाते हैं। काकू भाई बाय 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 बाय, मिलेंगे फिर। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए। ओके पहली बार जाम देखा मैंने भाई, स्मृति ईरानी के आने पर देखो भाई क्या खतरनाक जाम लगा हुआ। सब जो उनके समर्थक है वो आ रहे हैं। नहीं नहीं मैं नहीं, हम भीड़ में रहते। शेर है शेर भाई। तो अभी बढ़िया करके दिन का खाना हो चुका है, और कड़ी बात हमने विक्की के घर में खाया गुमखाल में। विक्की का प्लान बन रहा है कि वो यहीं रुकेगा, क्योंकि कल परसों जो गुमखाल में गुरु बाबा का मंदिर है वहाँ पर पूजा है जो कि हर साल होती है, तो उसमें विक्की का मन है सम्मिलित होने का। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, मतलब मैं और विकास भाई चले जाएंगे नीचे और विक्की यहीं रह लेगा। जैसे चाची को बाय बोलने आ रहा था, चाची ने तब तक बोला कि भाई घर के लिए कुछ अपने लिए कुछ सामान ले जा, मम्मी के लिए मतलब। क्या दे रहे हो? अच्छा अदरक लेना। अरे गजा बढ़िया लग रखी है, तो बहुत बढ़िया है। और इधर क्या रखा है? धनिया। और उधर खाली जो है ये क्या? बीन्स। क्या बात है। तो ये देखो चाची का है किचन गार्डन है। और ये ऊपर वाली साइड यहाँ पे कद्दू भी होता है, अभी तो सीजन नहीं है लेकिन जब सीजन होता है तब बहुत सारे होते हैं। तो वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक चीज शेयर करना चाह रहा था। आपने देखा होगा मैं कुछ महीनों से अपने बाल लंबे करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाल लंबे करना लगता तो आसान है लेकिन होता बहुत मुश्किल है। और जैसे कि आजकल मेरे पिताजी का नया घर बन रहा है तो उसमें इतनी धूल मिट्टी रहती है, सीमेंट रहता है, सब सर पे आता है, तो उसकी वजह से बाल काफी ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं और साथ में टूटते भी बहुत है। तो इस वजह से मैं काफी परेशान था। और अभी कल परसों ही मेरी मम्मी ने बताया
कि जो गुड़ल का फूल होता है जिसको हिबिस्कस बोलते हैं और कड़ी पत्ता होता है, तो अगर इसका मिक्सचर बना के इसके रस को सर पे लगाए तो बाल काफी स्ट्रांग हो जाते हैं और टूटते नहीं है। तो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना समय तो नहीं है मेरे पास कि हिबिस्कस और करी लीव्स को मिला के मैं एक मिक्सचर बना सकूं। तो तभी मुझे पता चला कि मामाअर्थ ने एक प्रोडक्ट निकाला है जो कि है हिबिस्कस का डैमेज रिपेयर हेयर ऑयल। और इस बॉटल के ऊपर एक कॉम रहती है जिसको कि आप अपने बालों पे बढ़िया करके लगा सकते हो। तो सबसे पहले तो इसको अच्छे से अपने बालों पे ऐसे करके घुमा लेना है पूरा का पूरा आगे से पीछे तक, और इस कॉम की वजह से जब तेल निकलता है तो वो बिल्कुल रूट्स पे जाता है और बढ़िया करके अपने बालों को चंपी कर लेना है करीबन 4-5 मिनट। और खासकर अगर मम्मी हो तो मम्मी के हाथों से चंपी करने का तो मजा ही अलग है। और इस ऑयल की खुशबू इतनी अच्छी है ना कि मैं क्या बताऊं। बढ़िया से सर पे तेल लगाने के बाद अब मेरे पास है मामाअर्थ का हिबिस्कस डैमेज रिपेयर शैम्पू। अब इस शैम्पू को बढ़िया से अपने हाथों पे लेने के बाद बालों पे अच्छे से लगा दो और फिर साफ पानी से अपने बालों को धो लेना है। और अब आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने शाइन कर रहे हैं और मेरे को खुद फील हो रहा है कि मेरे जो रूट्स हैं वो एकदम स्ट्रांग हो चुके हैं। तो चीयर्स टू मामाअर्थ का हिबिस्कस डैमेज रिपेयर हेयर ऑयल एंड शैम्पू। और मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स एकदम नेचुरल है और केमिकल फ्री हैं। और अगर आप मामाअर्थ के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं Suyash2024, जिसमें आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा मामाअर्थ की वेबसाइट पे जो कि है mamaearth.in। और मामाअर्थ एक इंडियन ब्रांड है, साथ ही साथ प्लास्टिक पॉजिटिव भी है। और मामाअर्थ के प्रोडक्ट आपको मामाअर्थ की ऐप और मामाअर्थ की वेबसाइट में तो मिलती हैं, साथ ही साथ आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नाइका और पर्पल ऐप में भी मिलते हैं। और जब भी आप मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो मामाअर्थ आपके नाम का एक पेड़ लगाएंगे और उसकी जियो लोकेशन आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगी। और मामाअर्थ ने अपनी ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च कर दी है, तो अगर आप अभी जाके वहाँ पे कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो आपको काफी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नाइका और पर्पल ऐप में तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ ऑफलाइन स्टोर्स में भी मिलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको किसी भी ऑफलाइन स्टोर पे अगर मामाअर्थ का प्रोडक्ट दिखे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना जरूर। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं कोटद्वार के लिए। अरे ऑन तो कर लो भाई को नहाना है। ऑन तो करो। हो रखा है भाई, मजाक कर रहा हूँ यार। और विक्की कैसे लगा मेरा मजाक? विक्की जो है वो यहाँ से जो है अब हमारे साथ आगे नहीं चल पाएगा कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। ठीक है, बस सालों बाद खाई होगी मैंने ऐसी कड़ी यार। क्या बात है, मजा आ गया। फिर से आएंगे और कड़ी ही खाएंगे आंटी के हाथ की। चल फिर भाई। ठीक है, फिर मिलते हैं। चल आराम आराम से जाना। ठीक है, चट्टी चट्टी बचेंगे। अभी हम कोटद्वार पहुंच गए थे और यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर आ रखे मिलने के लिए। कैसे हो? बढ़िया। कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली। दिल्ली से कौन कौन है? कोटद्वार से कौन कौन है? दिल्ली से। तो दिल्ली से हम कोटद्वार से। अच्छा, तीन कोटद्वार के। आप भी कोटद्वार के हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल में। अच्छा, एकदम बोल दिया है। ब्लूमिंग में। अच्छा चलो बढ़िया, अच्छा लगा मिल गया आप सबसे, है ना। मिलेंगे फिर। चलो ठीक है, बाय बाय बाय। आपके तो 1 मिलियन होने वाले जल्द होंगे। 1 मिलियन? ना ना, मतलब 1 लाख यार। 1 मिलियन कहाँ, अभी तो 1 लाख होने वाले हैं। अच्छा सॉरी यार। हाँ यार, मैं वहाँ पर मिलियन नहीं हो। अच्छा सॉरी। हाँ तो भाई और व्यूअर्स आ गए थे हमारे मिलने के लिए। तो कैसा लग रहा है फिर अभी घर बनता हुआ? बस लग रहा है, अब जिस दिन बनेगा तब पार्टी तो चाहिए, थोड़ी बहुत पार्टी तो कराओगे। पक्का पक्का बनाएंगे। बस तुम आ जाना खुद अपने आप, है ना, पार्टी तो तुम्हें मिल जाएगी। उस दिन सीधे ब्लॉग देख के उसी दिन आएंगे। पार्टी चाहिए थोड़ी बहुत। जब होगा ना ब्लॉग की बन गया है अब तब आ जाना। उसी दिन आएंगे हम सीधे। अच्छा लगा मिलके भाई। ओके बाय बाय बाय। हाँ मैंने कैमरा इसलिए निकाला था क्योंकि भाई अपना चैनल बता रहा था। हाँ बताओ। एक्शन मल्टीप्लेक्स स्टार्स एनएमए की वीडियो डालता हूँ, सब्सक्राइब कर लो आप भी। एनएमए एनिमेटेड। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कैसे डालते? मतलब खुद मतलब जो वीडियो एडिटिंग करके डाल देता हूँ। मतलब तो उन्होंने बना रखी है ना गाने के साथ, मतलब जैसे कोई भी शो चल रहा है मैं उसको गाने के साथ बीच बीच में ऐड करके डालते रहता हूँ। अच्छा, पर इसमें देखो एक चीज हो सकती है ना, तुम क्योंकि वो बना वो रहे हैं, तुम वहाँ से लेके उसको एडिट करके डाल रहे हो, फ्यूचर में हो सकता है कि उसमें कॉपीराइट आ जाए। कॉपीराइट वैसे नहीं आता अगर तुम अपने खुद के क्रिएशन डाल। भाई मना कर रहे हैं क्यों? वैसे क्यों, तुम्हें भी विश्वास है क्या कि नहीं आएगा कॉपीराइट? नहीं, कॉपीराइट नहीं है। कॉपीराइट वैसे नहीं आता। आओ तुम भी आओ, तुम्हें बताऊं। अगर तुम किसी का कंटेंट इस्तेमाल करोगे, कंटेंट तो नहीं, हम अपने आप ही ढूंढते हैं कंटेंट। ढूंढते हो तो है तो वो उनका। अब तुम मेरी वीडियोस अगर उठा के एडिट करके अपने लगाओगे, वो किसका वीडियो है? मेरा है ना, तो मैं कॉपीराइट मार सकता हूँ, तो वो लोग भी मार सकते हैं तुम्हें। तो मैं इसलिए पहले से सतर्क कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि जब तुम्हारा हो सकता है चैनल में अच्छे व्यूज आने लग जाए तो वो ये कर सकते हैं। इसलिए ये वही होता है ना, अगर तुम किसी और का वीडियो इस्तेमाल करोगे उस पर राइट है कि वो कर सकता है। अब तुम्हारे अगर फेस कोई यूज करेगा, उसको एडिट करेगा, कुछ करेगा, तो तुम्हारे पे राइट है ना कि तुम उसको बोल सकते हो कि भाई, तो वो है। बाकी कोई नहीं, अगर एक्सपीरियंस के लिए करो उसको,
है ना, और उसके बाद फिर अपना भी कंटेंट बनाओ कोई फ्यूचर में। अभी तो ये है कि एक्सपीरियंस के लिए कैसे करना है, यूट्यूब कैसे चलाना है, इसे तुम्हें सीखने को मिल जाएगा। अरे ब्लॉगिंग से हट के बहुत सारी चीजें भाई दुनिया में, यूट्यूब में, यूट्यूब में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, बहुत सारी चीजें, सिर्फ ब्लॉगिंग नहीं है, बहुत ज्यादा। जैसे तुमने एनिमे चूज किया, एनिमे ऐसे और भी कुछ कर सकते हो। तो बस यही था, ये बताना था तुम्हें। हाँ जी ठीक है भाई, ओके 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 ओके। अब देख आशु, अब देख, अब देख, देख, अब देख, थोड़ा प्यार से देख यार, बहुत ही गंदा लग रहा है, मलाई मार के। हम गंदे नहीं है, फोन थोड़ा सा कैप्चर नहीं कर पा रहा है। पता नहीं मुझे आशु देख कैसे लग रहा है, बिस्कुट होगा।